बिल्कुल खड़ा हो गया हूँ। अब हमारे माला मत डरो, अब हम क्रोध में आ गए हैं। हाँ, ये कुछ पुरस्कार आया था भैया, पंडित प्रमोद मिश्रा जी मुरैता से, किस प्रबंध में बहुत बहुत धन्यवाद है। आवाज बढ़वाए क्या, थोड़ा बढ़ाओ मेन माइक की आवाज। भैया कहाँ गए आप तो? अच्छा घर है, इतनी जल्दी घर चले गए। अरे अच्छा तुम बैठो कहा। पथिक पांडे ग्राम पोस्ट देवमई, ग्राम विशाल जवाबी कीर्तन, जिसमें की कलाकार हैं क्रांतिमाला कानपुर और दादा श्री बाबूलाल राजपूत जी मध्य प्रदेश। 20 अक्टूबर बिल्कुल डेट है इसकी, सभी लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाए, कार्यक्रम बहुत अच्छा भी होगा। बेस कट ही इनको ज्यादा, थोड़ा सा ट्रेबल डाल के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, इनको बटनों के बारे में ज्यादा नहीं पता, कुछ दूसरे ना घुमा दे। और एक आशीर्वाद आया था बड़े भैया मनोज सैलानी जी की तरफ से, 101 प्रथम मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। लीजिए ये जवाबी हो ही रही थी। हाँ जवाबी हो रहे थे, लेकिन अब जवाबा होगा। हाँ तिबाबा भी होगा, तिबाबा अब सदरी रंग लाएगी इसकी। दे दू क्या तुझको, दे उनको दो। अरे आता है याद मुझको वो गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, चिड़ियों का चहचहाना, आता है याद मुझको आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, चिड़ियों का चहचहाना। अरे आजादियां कहां अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। अब मुझे तो बड़े भैया सतीश भैया, मुझे तो मालूम भी नहीं था मेरे ऊपर ये संकट आने वाला है, लेकिन मुझे मालूम था ये संकट आएगा। तो कह रहा हूं कि जो जम न सका कभी भी उसको जमाया गया है, जो जम न सका, जो जम न सका कभी उसको जमाया गया है, जो चल न सका कभी उसको चलाया गया है। अरे आप जैसे ज्ञानी श्रोताओं के बीच जो गा न सका कभी उसको आज गवाया गया है। अब आइए हम बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल जवाबी लड़ेंगे। हाँ जवाबी नहीं तिवाबी होगी, तिवाबी। आइए तो नए सिरे से हो, फिर आइए हम भी नए सिरे से होगी, पहले वंदना गाओ। कि कब मैं तुमसे प्यार करूंगी, क्या बात है सबको, भैया कब मैं उनसे प्यार करूंगी, और कब सोले सिंगार करूंगी, कब मैं उनसे प्यार करूंगी, कब सोले सिंगार करूंगी। भैया
बार मुख देखूंगी जिसमें वो दर्पण कैसा हो, मुख देखूंगी जिसमें वो दर्पण कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। ऐ हवा ओ ये बता, ऐ हवा ये बता क्या तुझको है पता, अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अरे सावन 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 जैसा भी हो मेरा सावन कैसा हो, सावन जैसा भी हो सावन कैसा हो, सावन जैसा भी हो सावन कैसा हो। भैया प्रयास कर रहा हूं, हाँ अरे क्या कहिए किस कदर से जवानी निकल गई, क्या कहिए किस कदर से जवानी निकल गई, बदनाम करने आई थी बदनाम कर गई, अरे हम ताकते रहे मुंह बस अपने प्यार का, पैरों से चढ़ी थी और सर से उतर गई, अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, जैसा भी हो मेरा सावन कैसा होगा, अगर अब हम बच्चों को मौका मिला है तो मैं चाहता हूं ये जो रेलगाड़ी थोड़ा सा पटरी से नीचे गई थी, प्रयास करेंगे कि आ जाए। शंकर भैया बड़े भाई हैं आप, एक बात दे रहा हूं, अरे मिल रही भैया श्री अजय अनुरागी जी और जितने भी आदरणीय जन समुदाय आप सभी लोग सुने, और मेरा ये वादा है कि आनंद ही नहीं परम आनंद आ जाएगा। शंकर भैया अरे मिल रही हिल मिल रही घटनाएं मिल रही, मिल रही हिल मिल रही घटनाएं मिल रही, अरे बिबस रही अपने बस पर वो गुड़कारी कैसी हो, बिबस रही अपने बस पर गुड़कारी कैसी होगी। एक बात दे रहा हूं, हाँ जिसकी बिटिया ऐसी है तो महतारी कैसी होगी, दादा मिल रही हिल मिल रही घटनाएं मिल रही, बिबस रही अपने गुड़ पर, बिबस रही अपने गुड़ पर गुड़कारी कैसी होगी, जिसकी बिटिया ऐसी है तो महतारी कैसी हो, जिसकी बिटिया ऐसी है तो महतारी कैसी हो, जिसकी बिटिया ऐसी है तो महतारी कैसी हो। आइए सुने पहली बात, जिनकी बिटिया ऐसी है हाँ तो फिर जरा सोचिए महतारी कैसी होगी, कैसी। आइए पहली बात सुनिए, शिव की एक बात न मानी, भैया माता भवानी मैके चली, हाँ मैके चली गई चली गई,
लेकिन जाने से पहले भगवान शिव से पूछा। भगवान शिव ने कहा हम बिना निमंत्रण जाते नहीं है, और जब नहीं जाते हैं तो माता ने कहा तुमको न जाना है ना जाना। बिना बुलाए जाओ ना, बहुत शिव की एक बात न मानी और लिया परीक्षा की मन मान। दिया त्याग मन और धरदानी, शिवा को काया पड़ी जलानी। भैया जब भगवान शिव ने मन ही मन त्याग दिया तो आखिर किसी न किसी माध्यम से माता को अपनी काया जलानी पड़ी। तो विचार करिए, जो पत्नी पहले तो पति का सम्मान ना करे, लेकिन पति के एक तरफ तो पति का सम्मान नहीं किया और दूसरी तरफ पति का अपमान देखा तो जल गई। तो हुआ क्या? दिया त्याग मन ऑर्डर दानी, तो शिवा को काया पड़ी है जलानी। अब कहना पड़ रहा है क्या भैया? अनुरागी जी और बड़े भैया सतीश समरिया जी, अरे सिखलाया ऐसे गुड़, सिखलाया कैसे गुड़, दक्ष प्यारी कैसी सिखलाया कैसे गुड़, दक्ष प्यारी कैसी हो। अरे इसको ऐसे गुण सिखाने वाली माँ, शंकर भैया जिसकी बिटिया ऐसी है तो महतारी कैसी होगी। जिसकी लड़की अपने पति के सम्मान के लिए उसने अपने तन बदन को जला दिया, तो जिसकी बिटिया ऐसी है तो महतारी कैसी होगी। बस विशेष बात सोचना पड़ा कि जिसकी बिटिया ऐसी है उसकी मां कैसी होगी। दूसरी बात सुनिएगा भैया, इसको कम ज्यादा मत करिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए वैल्यू, बहुत खींच रहा है। दूसरी बात सुनिए शंकर भैया, अरे खिन्न हुए खिन्न हुए भू पति बलधारी, राजा जनक के यहां जब स्वयंवर हो रहा है और सीता स्वयंवर में एक से एक महान योद्धा राजा आए और क्या, और उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन खिन्न हुए भू पति बलधारी और तिल भरी भूमि सके ना डारे। और शिव धनु हाथा इतना भारी, भैया वो शिव धनु हाथा इतना भारी और सिया ने करसो उठा दरारी, उसको अच्छे अच्छे हार गए लेकिन ये मिला कि माता सीता एक दिन झाड़ू लगा रही थी, उन्होंने उस धनुष को ऐसे उंगलियों से उठा के कोने में खड़ा कर दिया। तो कहना पड़ा क्या,
शिव धनुहाता इतना भारी, शिव ने अर्शिया ने करसो उठा दरारी। सिया स्वयंबर सुनत सुने ना नारी कैसी हो, अरसिया स्वयंबर सुनत सुने ना नारी कैसी होगी। जिसकी पिटिया ऐसी है, अरे जिसकी लड़की ने उस धनुष को उठा लिया, जिसको दसियों हजार हाथियों का बल था वो नहीं उठा पाए। सिया से अंबर सुनत सुने ना नारी कैसी होगी। तो बड़े भैया, अरे जिसकी बिटिया ऐसी है तो माता भी कैसी हो। अंतिम और आखिरी बात देखें भैया, एक स्त्री उसका नाम आप सब लोग खुद जान जाएंगे। अरे पिया ही ने बने बन, मतलब वो बिना पति के दिखावटी में बन गई। जैसे कोई विवाहित स्त्री अपने आप को ये साबित करे कि मैं विवाहित नहीं हूं। पिया ही ने बन सुंदर नारी और सिया पिया को अपना वनहारी। वो चाह रही है कि माता सीता के पति को अपना पति बना लूं। वो कौन कौन है? वो है सूपनखा। भैया जी, पिया ही ने बने सुंदर नारी, सिय पिय को अपना वनहारी। लेकिन मिला दंड तब भाई दुखारी, विकट विलच शूपन खारी। भैया, मिला दंड तब भाई दुखारी, विकट विलक्षण शूपन खारी। अब कहना पड़ा, अरे विधवा विधवा कैसी सुतारा गया कुआरी कैसी हो। ये जब विधवा ऐसी है तो कुंवारेपन में इसका क्या हाल होगा, कैसी रही होगी भाई। विधवा, अरे विधवा कैसी सुतारा गया कुंवारी कैसी होगी। और कुंवारी की तो बात छोड़ो, जिसकी पिटिया ऐसी है तो महतारी कैसी होगी। दादा जी, अरे जिसकी बिटिया ऐसी है महतारी कैसी हो। आज जिसकी बिटिया ऐसी है महतारी कैसी हो। राजा रामचंद्र की जय हो। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक लोग ने ही ताली बजाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक लोग ने तो सबको जगा दिया। आइए, एक खंड गीत बजा है। अरे शिवलिंग उतने ऊपर ऊंचे कहां धरा, वो शिवलिंग इतने ऊंचे कहां धरा है। गीत बजा। और कहा फिल्मी दुनिया वाला। अरे पर्वत पे काली
पर्वत पे काली घटाएं छा जाए तो क्या हो, प्रसाद हो। भैया गीत समझ चुके हैं आप, फिलहाल अरे मैं तो सोचूं ये सतनी के आज मिलन की रात हो, तू सोलह बरस की आए हाय हाय, मैं सत्तर बरस का, सत्तर बरस के तो गुरु जी हैं, तू सोलह बरस की मैं सत्तर बरस का, तू सोलह बरस की मैं सत्रह बरस का, अरे मिलना जाए नैना, मिलना जाए नैना, एक दो बरस, एक दो बरस जरा दूर रहना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। जैसे ही भगवान किशन के पास पोटली लेकर पहुंचे, सुदामा जी और लुका छिप्पी खेल रहे हैं उनसे, दिखाना नहीं चाहते कि हमारे पास है क्या, लेकिन कारण तो उसका कुछ और था, फिर भी भगवान ने जान लिया। और भगवान ने कहा, क्या कहा, अरे लाए हो फिर क्यों, नाराजी, अरे लाए हो फिर क्यों, छिपाए बगल में करते बात लो ना सौ बात लो। भैया अगर लाए हो तो क्यों बातें झूठी साची बना रहे हो शंकर भैया, और लिपटाए हो क्यों, ना कहते हो मुझसे लो भ्रात लो भेंट विज्ञात लो। अरे जब उसको मारे चिपकाए ले रहे हो, थोड़े हमको दे दो, तो अरे लो भेजी सौगात लो, प्रेम भरी बरसात लो। तुम्हें कहना चाहिए कि तुम्हारी भाभी ने ये सौगात भेजी है, बिल्कुल इसको प्रेम से स्वीकार करो, इसको आप ग्रहण करो। लो भेजी सौगात लो, प्रेम भरी बरसात लो। भैया अरे लोला कर भी देते नहीं हो, लोला कर भी देते नहीं हो, सुधा युक्त ये ब्रात लो। क्या क्या लाते खुशहाली आप अपने पास, लाते खुशहाली, लाते सुखहाली, ला दे खुशहाली, ला दे सुखहाली, अरे ला दे भेंट वो ला 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 ला, ला दे भेंट वो ला ला ला, और लिए जो हो अमृत पिया ला ला, लिए हो जो अमृत पिया ला ला, ला दे मुझे मेरे यारा ला, अरे लिए हो जो अमृत पिया ला ला।
कन्हैया लाल की जय हो। आइए बहुत ही सुंदर जवाब को लेकर और बड़ी हार्दिक